अंगद जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं उषा सिंह आंटी को। उषा सिंह आंटी, प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। दो चीजों के लिए मैं स्पेशली शुक्राना करना चाहती हूँ। जो सुबह सुबह यहाँ सियाटल में सुबह होती है 6:30 बजे होते हैं, अब तो एक महीने में टाइम चेंज हो जाएगा और 5:30 सुबह हुआ करेगी जाड़े की। सोचिए तो उस समय बड़े मंदिर हम पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं और एक एक जगह दर्शन करते हैं और मत्था टेकते हैं। जैसे गुरु जी ने इतना सुंदर ये मौका दिया है और जाप के साथ ऐसा लगता है हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी अपनी सियाटल संगत की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। हमारे यहाँ बहुत लोग जुड़ते हैं संगत में मंत्र जाप के टाइम, और फिर उसके बाद ये इतना अच्छा मौका है ये आपस में मिलने का इस समय सुबह सुबह। यहाँ पर 9:30 बजे हैं अभी और दिन की शुरुआत गुरु जी की पुस्तक सुनते हुए और सुनाते हुए, तो एक मन में इतनी खुशी की लहर होती है। और इस देखिए, इस छोटी सी जिंदगी जो भी है, अभी तक हम यही जान पाए हैं कि पिछले 2 सालों में यही देखा है कि ये लाइफ बहुत क्षण भंगुर है। इसको सीरियसली ना लें। आप जितना खुश हो सकते हैं और खुशी दे सकते हैं, जितना प्यार पा सकते हैं, जितना दे सकते हैं, उतना आप करते रहिए। जितना भला कर सकते हैं करते रहिए, अच्छी बातें करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, जेलसी से, कंपटीशन से, ये सब आपको ड्राउन कर देती है और आप अपनी खुशी खो देते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है कि ये शुरू से ही मालूम था, पर अभी तो आपको देखा है कि किस तरह से किसी का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो बहुत आवश्यक है। ये इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी गुरु जी ने दी है कि उनकी पुस्तक हम सुने रोज, और पुस्तक जब करने का मौका होता है गुरु जी की, बड़ी बहुत ही बहुत शुक्राना गुरु जी का इस पल के लिए, क्षण के लिए। मैं पता नहीं क्यों कल रात से यहाँ थर्सडे को सियाटल में सत्संग होता है, जूम पर अभी तक हो रहा है, और जब मैं बैठी थी ध्यान में, मुझे गुरु जी एकदम एम्पायर स्टेट ले गए, और एम्पायर स्टेट में वही वातावरण गुरु जी ने क्रिएट किया जब गुरु जी खुद वहां बैठे रहते थे और हम सारी संगत गुरु जी को एक टक निहारते रहते थे और बस उसी में आनंद लेते थे, चाहे बात करें ना करें, बस गुरु जी को देखते हुए ऐसा लगता था कि जैसे हम भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। और जब आप भगवान के चरणों में बैठे होते हो तो आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आप सब कुछ भूल जाते हो, आप ये भी भूल जाते हो आप कौन है, ये भी भूल जाते हो आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको किसी चीज की सुध नहीं रहती है क्योंकि आप परमानंद में रहते हो, उनके सानिध्य में रहते हो, उनके साथ रहते हो। इतना सुंदर वो वातावरण गुरु जी ने कल बहुत बहुत, मैं अंदर से इतनी खुश मैं, और आज सुबह सुबह अभी कुणाल का फोन आया, मैं इतनी खुश कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे वो कंटिन्यू करा रहे हैं गुरु जी, क्योंकि गुरु जी तो हर पल हर क्षण हम सबके साथ हैं। वो हर कुछ देख रहे हैं, वो हमारे थॉट, छोटे से थॉट, बड़े से थॉट, हम जो कर रहे हैं वो सब भी देख रहे हैं। तो आज मैं बहुत सत्संग सुनाऊंगी जिससे मुझे खुद पता चला कि गुरु जी को सब पता कैसे चल जाता है गुरु जी को। तो बहुत ऐसे सत्संग हैं, तो मैं बस कल का ये बताना चाहती थी कि किस तरह से कल गुरु जी ने वो माहौल क्रिएट कर दिया था और इतना सुंदर गुरु जी ने सारी चीजें उस समय जो होती थी वो सारा सामने मुझे याद दिला दिया और मेरे मुझे खुश कर दिया। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इतनी खुशी देने के लिए जो मैं समा ही नहीं पाती है। वो जब ओवरफ्लो करती है तो आप सबको वही खुशी देते हो, जो भी आपके पास होता है आप वही देते हो। जब आप बहुत डिप्रेशन में होते हो तो आप अपना डिप्रेशन भी सबको देते हो। जब आप खुशी से आपका पूरा कहते हैं भांडा भर जाता है तो वो ओवरफ्लो करती है और वो सब तरफ फैलती है। तो ऐसी ही खुशी गुरु जी हर संगत को दें, हर संगत को प्यार दें, हर संगत को शांत रखें। और सबसे बड़ी बात है जो क्रोध और जलसी, उससे हमें दूर रखें क्योंकि उससे हमारा पतन होता है, उससे हम नीचे की तरफ जाते हैं और हम फिर वो हमारा आपा खो देते हैं। तो बहुत आवश्यक है। और यही कहते हुए मैं गुरु जी को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आज जितना गुरु जी मुझे कहेंगे, याद दिलाएंगे, मैं ट्राई करूंगी कि जितना मैं गुरु जी की कृपा से शेयर कर सकूं आज। तो आप गुरु जी अक्सर कहते थे खड़े होकर अपना सत्संग शुरू करो, और जैसे हम लोग शुरू करने से पहले गुरु जी को नतमस्तक करते थे, हमेशा गुरु जी की आज्ञा लेते थे, गुरु जी का आशीर्वाद लेते थे।
क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं रहता था, हम उस समय अपना सब कुछ गुरु जी के चरणों में दे देते थे, और जब वो आशीर्वाद देते थे तभी हम कुछ बोल सकते थे, नहीं तो किसी में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वी आर जस्ट डस्ट, वी आर नथिंग। जो भी कोई भी सुना पाता है या सुन पाता है, या आप जुड़ पाते हैं, या आपको गुरु जी के सत्संग में आने में रस आता है, वो सब गुरु जी का है, वो गुरु जी आपको बख्शीश देते हैं, तब ये सब चीजों में आनंद आता है। तो गुरु जी हमेशा कहते थे, सबसे पहले शुरू से अपनी जर्नी का बताया कर कि तुझे कौन लेके आया दरबार में मेरे। तो और मेरे सामने खुद एक बार मुझे याद है, प्रेम अंकल अपना सत्संग शुरू कर रहे थे और गुरु जी ने उनको टोका हो, कहते हैं कि हमेशा पहले शेयर करो कि कौन लेके आया था तुम्हें गुरु जी के दरबार में। सो दैट वॉज अ बिग लेसन फॉर ऑल द संगत हु वाज लिसनिंग देयर। तो ये मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं शेयर करूँ कौन लेके आया था, और हम गुरु जी के दरबार में मेरे चाचा जी, एमपी जी के चाचा जी, वो हमें लेकर गए थे। वो बहुत पुराने गुरु जी के भक्त थे, और वो मेरी बेटी जो बीच वाली, मेरी तीन बेटियां एक बेटा है, तो जो बीच वाली बेटी थी वो, उसको बचपन से बहुत ही बुरा अस्थमा था, और गुरु जी तो ईश्वर है ना, हमें तो उस समय नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था उनके बारे में, जबकि हम हमेशा जब इंडिया आते थे चाचा जी से मिलते हैं, पर आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो ये भी एक सीख थी कि जब टाइम आता है ना, तब गुरु जी अपने आप बुलाते हैं। वो टाइम जो सफरिंग का हमारा रहता है, या जो भी मेरी बेटी का मेडिकल जो इश्यूज थी, तो वो उस समय जो भी था वो हमें काटना था, अपने आप ही काटना था। तो जब टाइम ठीक आता है तो गुरु जी बुलाते हैं। और यही सियाटल से हम 96 में जनवरी में मूव करे सिंगापुर, मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से वहां हम चले गए, और गए थे खाली 2 साल के लिए। और मेरा बिल्कुल, मुझे लग रहा था कैसे वहां होंगे, यहाँ पर हम 20 साल से यहाँ पर थे, तो एक सारा कुछ अपरूट करके दूसरे कंट्री में जाना, पर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से खुशी थी कि मैं इंडिया के करीब पहुंच रही हूँ, अपने पेरेंट्स अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच रही हूँ, और बच्चे छोटे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, हम अक्सर जाते रहेंगे। तो अंदर से खुशी भी थी पर एक अनसर्टेनिटी भी थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा खाली 6 महीने का था, और 3 बेटियां, हम सब बहुत ज्यादा काम उस समय जैसे होता है मूविंग का डिफरेंट कंट्री में, पर वो मालूम नहीं था कि क्यों हम जा रहे हैं। वो गुरुजी ने ही सारा कुछ कराया था, वो बाद में हमें पता चला। हम सिंगापुर गए 96 में, और वहां पर 2 साल हम इंडिया काफी जाते थे, उस समय कुछ नहीं कहा चाचा जी ने, पर 98 दिसंबर की बात है, मेरी बेटी उस समय कहीं करीब होगी करीब 13-14 साल की आई थिंक, एंड शी वाज बहुत ही बुरा, उसका आस्थमा अटैक हुआ था इंडिया में, हम मैसूर गए हुए थे, बहुत ही बुरा हुआ था, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर, तो बहुत ही परेशान थे। तो चाचा जी ने कहा तुम इतनी परेशान हो तो ऐसा है कि मेरे गुरु जी हैं, एंड अगर उनकी कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी, दैट्स ऑल ही सेड। एंड उस समय हम लोग इतना थक चुके थे, तो हमने कहा कि हम चलेंगे, तो कहते हैं ठीक है तुम लोग 5 बजे आ जाना और मेरी कार को फॉलो करना। तो हम लोग उनके यहाँ पहुंच गए, और वहां से हम लोग गए गुरु जी के दरबार में। उन्होंने यही कहा था, जस्ट फॉलो द ड्रिल, वो पुलिस के वो थे तो बहुत कम वो भी बोलते थे, और कहते थे बस जो मैं करूँ वही करना। तो हम लोग बस पीछे पीछे उनके चल रहे थे, और उन्होंने प्रणाम किया तो हमने प्रणाम किया, और जब गुरुजी की तरफ देखा तो हमें यकीन ही नहीं आया कि ये कोई गुरुजी है, ये तो इतने प्रिंस लग रहे हैं, इतने हैंडसम, और गुरुजी का जो नूर है ना, वो पहला जो दर्शन हम कभी नहीं भूल सकते, कोई नहीं भूल सकता गुरुजी को, क्योंकि उनका चेहरा जो था ना, वो मिलियंस ऑफ सन और मून कॉम्बिनेशन जो भी आप कह लीजिए, इतना सुंदर, इतना तेज, किसी का भी चेहरा नहीं देखा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई राजा महाराजा ऐसे बैठे हुए हैं, और उनके चरणों में मन हो रहा था कि प्रणाम करने का, और हम सब ने प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, जब मेरी बारी आई तो मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ, तो गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, एवरीथिंग ही सेड, मेरे बच्चों का नाम, मेरे सिबलिंग्स का नाम, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज का, मेरे मतलब
मेरे आसपास जो भी क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड जो भी थे सबका बता दिया उन्होंने, पर आपको मालूम है कि पहली बार हम इतने बैगेज लेके जाते हैं और इतने समझ नहीं आता है, हमारी नादानी होती है, मैं कहूंगी ना समझी होती है। तो मैंने सोचा कि चाचा जी ने बता दिया होगा क्योंकि ये तो इनके पुराने भक्त हैं। आई डिडंट थिंक टू मच, बट गुरु जी ने एक और चीज कही थी मुझे जो आई हैड जस्ट लॉस्ट माय ब्रदर, वाज जस्ट मेरे से थोड़े से बड़े थे, ही वाज नॉट इवन 40 और वो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और वो चापो क्रैश में उस समय कालिंगपोंग में वहां पर चाइना सिक्किम बॉर्डर उधर उनकी पोस्टिंग थी और वहां पर थे और बहुत ही यंग थे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके, एंड जस्ट 95 में उनका चापो क्रैश हो गया था। एंड ही वाज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, 20th राजपूत के थे और वो उससे ही ट्राई टू जम्प पैराशूट से, एक बार वो जम्प करे थे, एक बार हुआ था ऐसा, वो जम्प कर गए थे एंड ही वाज सेव्ड। इस बार वो जब जम्प करे तो उनका जो पैराशूट था वो खुला ही नहीं ठीक से एंड ही डिडंट मेक इट, और वो बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा ट्रेजिक एक्सीडेंट था। पूरे आर्मी के मेजर जनरल भी उसमें थे और 5 लोग थे, तो इट वॉज अ वेरी बैड टाइम फॉर एवरीबडी, जितने लोग नहीं रहे और मेरे फैमिली में भी, क्योंकि ही वॉज द यंगेस्ट वन अमंग ऑल 5 ऑफ देम, और ऐसा लगा कि हमारे परिवार में पहाड़ टूट गया है। और इमेजिन आवर पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ अस, वी वेंट थ्रू अ वेरी ग्रीविंग टाइम। और मैं कभी हमेशा से पॉजिटिव रही हूँ, पूजा पाठ करती रही हूँ, पर उस समय मैं भी टूट गई थी अंदर से, और मेरे अंदर एक आवाज आती थी क्यों हुआ क्यों हुआ, क्योंकि ही वॉज द मोस्ट काइंडेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, और हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, हंसते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये तो इतने अच्छे इंसान है, क्यों हुआ इनके साथ। तो मैं अंदर ही अंदर मेरे बड़े क्वेश्चंस थे, आई वांटेड टू फाइंड आउट द आंसर, पर मेरे भी बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत ज्यादा रो नहीं पाती थी क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते थे, पर मैं अंदर वो ग्रीफ अंदर लिए हुई थी। पर गुरु जी के पास जैसे ही गई ना, गुरु जी ने मेरी तरफ देखा एंड ही टोल्ड मी अबाउट दैट, अबाउट माई ब्रदर ऑल्सो, एंड ही लुक्ड एट मी, एंड मेरे ख्याल से उस दिन गुरु जी ने मेरा जो अंदर जो मेरा ग्रीफ था या जो भी सैडनेस थी जो मैं बाहर शो नहीं करती थी, वो सारा कुछ गुरु जी ने एक नजर से उसको खत्म कर दिया। उसके बाद टू टेल यू द ट्रूथ, आई जो सैडनेस के बजाय गुरु जी ने खुशियां भर दी मेरे मन में, बेवजह की खुशी, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय होल बीइंग चेंज्ड गुरुजी के एक नजर से, एक दर्शन से। मेरा सारा दुख जो मैं 3 साल से कैरी कर रही थी वो सब कुछ उन्होंने हर लिया, एक बस मेरे ब्रदर के बारे में पूछ करके बता करके। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, वो तो पहली बार मिले थे हम। उसके बाद जाकर के हम लोग किनारे बैठ गए और मैं वहां बैठी बैठी यही सोच रही थी, ये इतनी यंग है, प्रिंस की तरह, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगी। और तब तक हम लोग बहुत जगह भटके हुए थे, इतनी जगह पूजा पाठ, ज्योतिषी और ये पाठ वो पाठ, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक तरह तरह का सारा कुछ, डाइट चेंज सब कुछ हो गया था, यूएस से सिंगापुर में इंडिया में सारा ट्रीटमेंट हो गया था, पर उसका एस्मा कभी भी ठीक नहीं हुआ, बढ़ते ही जा रहा था, इतना हो गया था उसको स्टेरॉयड और नेबुलाइजर ये सब हमेशा कैरी करना पड़ता था। एलर्जीज की तो बात ही नहीं करिए आप, उसको घास से एलर्जी, फ्लावर से एलर्जी, उसको क्लोरीन से एलर्जी, उसको गेहूं से एलर्जी, उसको दूध से एलर्जी, उसको मतलब एवरीथिंग, इट वाज अ वेरी बहुत ही स्ट्रिक्ट उसका एनवायरनमेंट होना चाहिए था, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल तो होती है और बच्चों के साथ भी। तो एनीवे, तो इतनी परेशानी मैं बता रही हूँ कि गए और गुरु जी ने, मैं वहां बैठ के सोची थी कैसे गुरु जी ठीक करेंगे मेरी बेटी को, दिमाग में ये थॉट आ रहा था। और उसी समय गुरु जी ने मुझे बुलाया इशारे से, टू टेल यू द ट्रूथ, मैं सच्ची बात बताती, मैं उठी नहीं क्योंकि मेरे अंदर वो अभिमान था या मेरे अंदर वो ईगो थी कि मुझे तो ये जानते नहीं है, मैं उठूंगी और मुझे बुलाया नहीं है तो वो मना करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। दैट वॉज रियली माई थॉट, क्योंकि हम जब वहां
जाते हैं गुरु जी के पास पहली बार, तो हमारा जो जन्मों का बैगेज होता है ना, जो 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 अपने को पता नहीं क्या समझते हैं, वो सारा कुछ गुरु जी एक बार में ठीक कर देते हैं। और मैं उठी नहीं, दो बार गुरु जी ने उंगली से उठाया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो गुरु जी इतनी जल्दी इधर उधर देखते थे आंखों से, कभी लगता था वो मुझे देख रहे हैं या इनको देख रहे हैं, नहीं समझ पाते थे हम। तो फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल ही समझ में आया। तो फिर उन्होंने इशारा किया, तो मेरे आगे एक आंटी बैठी थी, वो कहते हैं आपको बुला रही। तो मैं उठ के गई और सामने बैठ गई गुरु जी के, और गुरु जी की तरफ देखने लगी। और गुरु जी ने कहा तू डाउट कर रही है, दिस वर हिज वर्ड्स, एग्जैक्टली वर्ड्स, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल है। और गुरु जी बोल रहे थे और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो तो ईश्वर बोल रहे हैं ना, आप ईश्वर के सामने उनका तेज सह नहीं सकते। तो मेरे आंसू बहते जा रहे थे। और मैंने हिम्मत जुटा के गुरु जी से कहा, गुरु जी सारी अपनी लाइफ स्टोरी उनको बता दी, अपनी बेटी के बारे में सब कुछ। गुरु जी ने अपना हाथ ऊपर किया और कहा जा, मेरी तेरी बेटी का कल्याण कर देता, दैट्स ऑल ही सेड। एंड दैट वॉज द डे, वो रास्ते में उसने अपना इनहेलर यूज किया था उसके बाद से, और आज का दिन एक बार भी उसने इनहेलर यूज नहीं किया। ये गुरु जी भगवान नहीं है तो कौन है, ये कौन कर सकता है? ना यूएस के डॉक्टर्स, ना सिंगापुर के, ना इंडिया में जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक फिश ट्रीटमेंट, मतलब कहां नहीं हम भटके होंगे। तो उसके बाद गुरु जी ने कहा जा उठे बैठ जा, जाके लंगर कर। लंगर किया हम लोगों ने, मेरे चाचा जी बगल में बैठे तो पूछने लगे कि क्या गुरु जी क्या बात कर रहे थे, पहली बार इतनी बात कर लिया, तो बात ही नहीं करते। तो मुझे, मैंने बस इतनी कहा, उन्होंने कहा कल्याण कर देता, तो बड़े खुश हो गए, कहते वो ठीक हो गई। फिर भी आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, तो उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसे ही होता है। एनीवे, उसके बाद फिर लंगर किया, और जब गुरु जी ने आज्ञा दी, जब जाने लगे, तो गुरु जी ने कहा कल फिर आई। एंड गुरु जी टोल की तांबे का लोटा ले आई और चांदी का ओम ले आई, एंड ही टोल मी कितना बड़ा होना चाहिए ओम एंड ऑल दैट। एंड हम आगे वापस, और उस दिन टू टेल यू द ट्रूथ, ओनली थिंग दैट आई रिमेम्बर इज गुरु जी का चेहरा और गुरु जी का ऑरा और खुशबू। और वहां पे इतनी तेज शब्द बज रहे थे, वो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी। और वहां पे इतने लोग ड्रेस्ड अप थे, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी जगह, मैं सोचती थी सिंपली ड्रेस होके जाना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो मेरा थॉट प्रोसेस जितने जन्मों का जो भी मैं कैरी कर रही थी ना, सब कुछ गुरुजी ने उसको पलट दिया था, क्योंकि मैं भी एकदम सिंपली ड्रेस होके गई थी कि कुछ महापुरुष गुरु के पास जा रहे हैं तो बहुत सिंपली जाओ, ज्यादा ज्वेलरी पहन के नहीं, लाइट कपड़े पहन के जाओ, शोई नहीं, ये वो। और वहां पे तो सब कुछ ऑफिसर था, धीरे धीरे बात करो, वहां पे तो इतनी लाउड म्यूजिक चल रही थी, एवरीथिंग। वो लंगर इतना स्वादिष्ट था, और चार चार लोग बैठ के खा रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम हमारे सबके साथ होता है, मैं एक रोटी लेके और चम्मच से उसमें अपने रोटी में डाल के ऐसे खा रही थी। एंड कुछ टाइम लगा समझने में कि गुरु जी व्हाट डस ही वांट ऑल ऑफ अस टू ईट टुगेदर, नॉट टू टेक यू सेपरेट रोटी और उसमें डाल डाल के खाओ। क्योंकि जब आप भगवान के द्वार होते हैं तब वो सब कुछ अमृत करते हैं, कभी नहीं सोचो आपकी ये झूठा है या इसको खांसी या जुकाम है मुझे हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग जो जो गुरु जी ने किया एग्जैक्टली, बड़ी ट्रूथफुली मैं आज आपको सब कुछ सुनाऊंगी, एवरीथिंग व्हाट ही डिड। उसके बाद हम चले गए घर, रास्ते में बड़ा अच्छा लगा। और ये मेरा सत्संग था, मेरी बेटी जो उस समय यंग थी उसका सत्संग उसने कई बार शेयर किया है मेरे से, और मेरे एक दिन मैं उसको तैयारी कर लूँ यहाँ पर शेयर करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से हम सारे जुड़े, उसकी वजह से ये पूरी सियातल संगत जुड़ी, उसकी वजह से हमें भगवान के दर्शन हुए। तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ मैं तो तुम्हारे पैर पूजूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे भगवान मिले। तो मैं उसको अक्सर कहती हूँ तुम शेयर क्या करो, तो कहती है कि माम हिंदी में शेयर करते हैं और मुझे हिंदी नहीं आती। तो उसका भी सत्संग एक बार ऐसे कार में हो रहा था, हम जा रहे थे और यही चीज मैंने उससे कही थी, तो वो कहती है
कि सब लोग हंसेंगे मेरे एक्सेंट में, तो मैं और हमने कहा नहीं इंग्लिश में कर लेना। कहती नहीं वहां कोई इंग्लिश में नहीं बोलता है। हमने कहा नहीं गुरुजी बोलेंगे तुम इंग्लिश में सुना देना। ये हमारी रास्ते में बात हुई थी। और जब गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने मेरे से कहा आंटी तू इतने बैठ जा, और उसको मेरी बेटी से कहती तू खड़ी होके अपना सत्संग कर। तो वो मेरी तरफ देखने लगी तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं तू इंग्लिश में सुना। तो उसने सारा सत्संग इंग्लिश में सुनाया था। तो देखिए कैसे गुरुजी बताते हैं कि हर क्षण हर पल सब कुछ वो सुन रहे हैं। तो इस तरह से उसने कहा कि माम जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई मैंने कहा ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प मी, ये उसका सत्संग है। मुझे तो बाद में विश्वास हुआ जब वो ठीक हो गई, पर उस बच्चे को जाते ही उनको देख करके वो समझ गए कि यही है जो मुझे ठीक करेंगे। ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। उसके बाद हम बड़े खुश हुए, आए नेक्स्ट डे फिर लेकर के गए और गुरुजी ने ब्लेस किया और बताया जिस तरह से यूज करना है, सब कुछ हुआ। हम सिंगापुर आ गए और जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे ही करने लगे, और गुरुजी को याद करते थे। और उस समय तो कोई स्वरूप नहीं, कोई मेरे पास शब्द नहीं, कुछ नहीं, हम बस गुरुजी की बातें ही करते थे कि बड़ा अच्छा लगता है, ये है वो है। और वो वैसे ही जल प्रसाद पीने लगी, चांदी का ओम पहन लिया, गुरुजी ने कहा था 51 दिन तक पहनना है। पर एक चीज मैं आपको याद दिलाती हूँ जो मैं भी भूल गई थी, अभी कुछ साल पहले गुरुजी ने याद दिलाया। गुरुजी ने कुछ चीजें कही थी जब उन्होंने ब्लेस किया था। पहले तो उन्होंने कहा था चावल नहीं खाने के लिए उसको कुछ दिनों के लिए मना किया था 51 दिन तक, और उन्होंने कहा था अदरक की सब्जी खिलाना है इसको, और कहा था ये चांदी का 51 दिन तक पहनना था। और चौथी बात जो मैं पूरी भूल गई थी, गुरुजी ने कहा था आज से निंदा चुगली बंद ना करना है ना सुनना है। दिस वर हिज वर्ड्स। एंड मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम तो, क्योंकि हर पेरेंट को अपने बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, तो मैंने कहा तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम निंदा किसकी करती हो? तो कहती है मैम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो सारे स्कूल की गॉसिप मुझे सुनाती है। सो वो मेरे से कहती है गुरुजी हाउ डस गुरुजी नो। देखिए वो बहुत बड़ी सीख थी उसके लिए भी, हम सब के लिए, और एक्चुअली हम सारी संगत के लिए। तो गुरुजी कहते हैं मेरी ब्लेसिंग क्यों लगती है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गुरुजी तो अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, जब हमारा भांडा ही उल्टा पड़ा हो तो कैसे वो भरेंगे उसमें। तो बहुत बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को उनकी ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए भी तो रेडी होना चाहिए। तो ये गुरुजी ने कहा था कि आज से निंदा चुगली बंद, ना सुनना है ना करना है बस। तो ये कभी कभी तो हम सारे भूल जाते हैं, हम कलयुग के जीव हैं, पर गुरुजी अक्सर याद दिला के करेक्ट कर देते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस। तो ऐसे उसने किया, हम सिंगापुर आ गए और बिल्कुल उसका 51 दिन जैसे गुरुजी ने कहा था वो बिल्कुल ही ठीक हो गई। मतलब गुरुजी के पास से आने के बाद उसने एक बार भी ना नेबुलाइजर लिया, ना स्टेरॉइड, ना इनहेलर, नथिंग। एंड देन शी कुड ईट एनीथिंग, ड्रिंक एनीथिंग, मिल्क, आइसक्रीम, चीज, जो भी खाना हो उसको। पार्क में ले जाते थे उसको, घर पे फ्लावर्स में नहीं लाती थी। आई कुड नॉट इवन पुट फ्लावर्स इन द हाउस, ना कभी अगरबत्ती जला सकती थी, कभी भी नहीं, बहुत एलर्जीज थी। तो मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, उसके बाद मैं फ्लावर्स लाने लगी, इतना अच्छा लगने लगा जैसे हमारी लाइफ एकदम गुरुजी ने खुशियों से भर दी। जो एक हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम थी गुरुजी ने चुटकी भर में कहा जा मैंने कल्याण कर देता और वो ठीक हो गई। और हम फिर इतने खुश हुए और हमें लगा कि हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए उनको थैंक्स करने के लिए। और गुरुजी के पास गए, जब थैंक्स करने के लिए मैं कुछ सामान सिंगापुर से लेके गई थी, ये भी बहुत बड़ी सीख थी। उनके चरणों में रखा तो गुरुजी कहते कि है ऐसे गुरुजी ये आपको आपके लिए है, थैंक्स करने के लिए आपने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया, थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी बहुत ही खुश हुए कि वो करते भी हैं, पर जब हम उसको रियलाइज करते हैं गुरुजी और खुश होते हैं। और गुरुजी ने उसके ऐसे गाल पे ऐसे एक थप्पड़ मार के ऐसे कहते हैं कि एनो तो ठीक होना था, एनो शिव जी ने ब्लेसिंग दी थी। दिस वर हिज वर्ड्स एंड स्टिल वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। एंड देन ही सेड कोई लोड नहीं है जो मैं सामान ले गई थी, कहते इत्थे बाढ़ के संगत में सब कुछ वहीं बढ़ गया।
So that was a big learning ki Guruji never even accepts anything. He doesn't take anything. Wo khali dete hain. Aisa pehla dar tha jo humne apni life mein dekha. Jahan hame kuch dena nahi hota hai, khali Guruji sab kuch dete hain. Aur uske baad phir hum dheere dheere samajh mein aane laga ki Guruji hain kaun. Kyunki kaun kar sakta hai? So that question was always in my mind. Aur main hamesha Shiv ji ki को पूछती थी और माता रानी को बचपन से बहुत ही छोटी थी और मेरे घर में सब लोग कहते थे कि ये कौन पुजारन आ गई हमारे घर पर but that I think that was my purpose of this life. मुझे लगता है कि मेरा जन्म खाली पूजने के लिए हुआ है सही बताऊं आपको क्योंकि सबसे ज्यादा जो सुख होता है वो उसी में मिलता है मुझे और गुरु जी के दरबार में ऐसा लगता था खाली मुझे नहीं सारी संगत को कि हम कभी वापस ही ना जाएं ऐसा लगता था बस हम यहीं बैठे रहें उसके बाद इतनी ज्यादा लगन हो गई थी कि हम सिंगापुर से तो बहुत पास था इंडिया तो हम जाने लगे और मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया देखिए आप कितने भी पढ़े लिखे हो चाहे आप IIT के हो चाहे जितनी भी आपने डिग्रीज हासिल करी हो लोगों के दिमाग में इफ एंड बट बहुत होता है और क्वेश्चन आदमी लोग ज्यादा करते हैं और हम लेडीज तो दिल से सोचते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और भाव अपने ज्यादा व्यक्त करते हैं पर आदमी का डिफरेंट होता है पर गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि किस तरह से मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने अपना बिल्कुल सब कुछ समझा दिया गुरुजी ने कि वो कौन है तो एज ए फैमिली हम जाने लगे मेरी तीनों बेटियां बेटा छोटा था हम अक्सर सिंगापुर से जाते थे और गुरुजी के दरबार में सीधे एयरपोर्ट से सीधे पहुंचते थे और जैसे ही कार पार्क करते थे दौड़ते हुए जाते थे गुरुजी के दरबार में और ऐसा लगता था कि जल्दी से पहुंच पर वहां जाके मैं रुक जाती थी कि और सारे मेरे परिवार भी आ जाए पहले वो लोग जाए और सारे लोग हंसते थे कि बच्चे कहते थे मैम व्हाई डू यू रन देन पर पता नहीं है एक खिंचाव था जो गुरुजी की खुशबू बाहर से आती थी वो खींचते हुए मैं अपने कदम नहीं रोक पाती थी वहां जाके हाथ धो करके खड़ी हो जाती थी सर पर पल्ला रख करके गुरु जी को मथा टेकना है और सब आगे आते थे फिर मैं जाती थी पीछे और गुरु जी अपने इतने खुश होते थे गुरु जी हर संगत को देख के इतने खुश होते थे जैसे कोई फादर हो जैसे उन सबसे खुशी जो मिली ना वो गुरु जी के दरबार में मिली क्योंकि इतना तो कोई भी नहीं खुश हुआ हम सबको देख करके संगत को देख करके जितना खुशी गुरुजी को होती थी संगत को देख करके गुरुजी संगत को बहुत प्यार करते थे तो ऐसे ही वो दौर चलता रहा और धीरे धीरे मेरे मन में बहुत बहुत सवाल आने लगे कि गुरुजी हैं कौन क्योंकि ये कौन कर सकता है ये कोई मामूली नहीं है आई स्टार्टेड थिंकिंग गुरुजी हु आर यू और यही सोचती थी मैं और एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि तू ना बड़े मंदिर चली जा मंडे के दिन So I asked him, I said, Guruji, आप भी आएंगे? कहते नहीं मैं नहीं आऊंगा तू दर्शन कर ले So मैं चली गई वहां पर गुरुजी को उस समय आपको मालूम है उस समय नया नया मंदिर था और खाली था एकदम और स्पिक एंड स्पैन ब्यूटिफुल माली भैया को बोला था तो माली भैया ने खोल दिया और अंदर गए तो जैसे ही वो फाउंटेन वाली शिव जी के सामने उनको दर्शन किया उनको प्रणाम किया तो वो फाउंटेन वाले शिव जी आधे गुरु जी हो गए और आधे शिव जी एंड गुरु जी वाज स्माइलिंग हिज आईज वर ओपन और मेरे साथ जो मेरी सिस्टर थी हम दोनों को यही दर्शन हुआ आई कुडंट बिलीव इट उसके बाद हम एकदम साइलेंट हो गए मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या है ये उसके बाद जब हम वापस आए जब गुरु जी के पास गए गुरु जी ने कहा फिर हो गए दर्शन So I just touched his feet. उनका गुरुजी थैंक यू सो मच मेरे मन में जो क्वेश्चन था वो आपने बता दिया आप कौन हैं अब मेरे में वो क्वेश्चन नहीं है आई नो हु यू आर गुरुजी तो महादेव हैं महाशिव हैं ऐसे बहुत गुरुजी ने एक्सपीरियंसेस दिए और खाली मेरे परिवार के लिए मैंने कई बार शेयर किया अपने बेटे को कि पैर कैसे उसका टेढ़ा था गुरुजी ने वो अपने आप से सर्जरी कर दी वो टेबल गिरा करके मेरे हस्बैंड को दो बार उन्होंने लाइफ दी सेप्टोसीमिया हो गया था जो कोई भी नहीं ठीक कर पा रहा था उनकी हार्ट रेट वॉज ओनली 32 गुरुजी ने यूं ही हाथ उठा के कहा जा मैंने 72 कर देता
उस समय 2006 की बात है, हम सियाटल आ गए थे और मेरी सिस्टर थी, गुरु जी कहते हैं जा फोन करके पूछ उषा आंटी से कितनी है हार्ट बीट। शी कॉल्ड मी, आई वाज इन द हॉस्पिटल। मैं बाहर निकल के फोन मैंने रिसीव किया तो कहती कितनी है, हमने कहा 32। कहती नहीं, हम गुरु जी के दरबार से बाहर बोल रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं फोन करके पूछो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है तुम रख दो, मैं अभी करती हूँ, मैं अंदर जाके चेक करती हूँ। आई वेंट इनसाइड, मेरे आंखों के सामने वो जो 32 था, डिजिटल हार्ट रेट का जो बना रहता है उससे 32 से वो सरकता हुआ 72 हो गया। कौन कर सकता है? नर्स भी उठ के खड़ी हो गई, उसका समझ नहीं आया क्या हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन मैं बाहर आई और मैंने फोन किया और मैंने कहा गुरुजी को प्लीज मेरी तरफ से उनको पैर छू करके मेरी तरफ से थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। मैं रो रही थी, ये कौन कर सकता है? गुरुजी तो महादेव है, वो बैद्यनाथ है, कोई नहीं कर सकता ये, ही इज गॉड। दिस आर द लिविंग प्रूफ, ये कहीं और की बात नहीं, ये मेरे साथ हुआ है। एंड उसके बाद डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि कैसे 32 से 72 कैसे हो सकती है, कौन कर सकता है? गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, हम लोग यहाँ हैं सियाटल में। सो इट प्रूव्स दैट गुरुजी इज गॉड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। एट वन टाइम ही कैन कम एनीवेयर, फ्रॉम वेरेवर ही इज ही कैन हील एनीबॉडी इन द होल वर्ल्ड, एनीवेयर इन द कॉन्टिनेंट। और ये तब की बात है, अभी भी देखिए, अभी भी मैं कई आपको सत्संग सुनाऊंगी जो अभी भी ऐसी हीलिंग हो रही है। कई लोग कहते हैं कि आप लोग तो बहुत लकी हो, आपने गुरु जी को देखा और इतनी एक्सपीरियंसेस किया, पर अब क्या हो गया होगा? तो मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या हो रहा है। देयर इज नो डिफरेंस, गुरु जी स्टिल देयर, उनकी शक्तियां और भी बढ़ गई हैं, वो इतनी हीलिंग कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतने आप सत्संग रोज सुन रहे हैं, नई नई संगत के भी सुन रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग, सोचती है नई संगत और वो गुरु जी उसको पूरा कर देते हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस। और यू ही थोड़ी ना लोग आ जाते हैं बड़े मंदिर में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम तो यहाँ यूएस में हैं और आसपास देख रहे हैं कि गुरु जी हर जगह छाए हुए हैं और बड़ी खुशी होती है कि ये हमारे गुरु जी हैं जो हर घर में, हर एक घर में अब गुरु जी हैं, हर एक घर को ब्लेस कर रहे हैं, हर एक सिटी को, हर एक स्टेट को, हर एक कंट्री को। इतना इतना गुरुजी का जो है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एवरी डे आई गेट अ कॉल, कोई नई कोई संगत वो कहती है कि ये गुरुजी कौन है, मुझे पता चला आंटी, मुझे बताइए इनके बारे में। और मुझे सबसे खुशी होती है जब मुझे गुरुजी का ये हुक्म आता है उनके बारे में बताने के लिए। दोज आर माई मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट्स। जैसे अभी है, अभी कुछ दिन पहले ही, दो दिन पहले किसी का आया था और मैं उनको शॉर्ट में करते करते आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी शेयर्ड अबाउट गुरुजी। तो एवरी डे गुरुजी जोड़ रहे हैं और गुरुजी कहते थे नई नई संगत लेके आओ, और लेके आओ क्यों? क्योंकि गुरुजी को ब्लेस करना है। ऐसे आपको कहाँ मिलेंगे गुरु जो बुला बुला के ब्लेस करते हैं? कितने गुरु हैं देखिए जो आप उनको छू भी नहीं सकते, उनको देख भी नहीं सकते, आपको दूर से बैरिकेड से वहीं से प्रणाम करना पड़ता है। हमारे गुरुजी जब थे बॉडी फॉर्म में, हम तो उनके पैर छू लेते थे, उनके हाथ पकड़ लेते थे। कई आंटी लोग तो उनको हग कर लेती थी। और गुरुजी तो इतनी, आपने पुराने पंजाब के वीडियो देखे होंगे कि मालों से उनका बिल्कुल खाली सर दिखता था, इतने सिंपल हमारे गुरुजी। कभी भी किसी को मना नहीं किया, जो भी भक्त आता था, जो भी उनको माला चढ़ाना चाहता था, गुरुजी चुपचाप खड़े रहते थे और उन पर माला चढ़ाते जाते थे लोग। और एक टाइम ऐसा आता था उनका सर ही दिखता था तो भी गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। ऐसे प्यार वाले गुरु आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। और अभी भी ऐसे ही हो रहा है एवरी टाइम। आप देखिए अभी इतने सत्संग है जो मैं अब शेयर करूंगी, पुराने आप लोगों ने काफी शेयर मैं कर चुकी हूँ। जो तो मेरी बेटी की शादियां कराई गुरु जी ने और मैंने कई बार शेयर किया कि गुरु जी इज द हेड ऑफ अ फैमिली। जब ये एक्सपीरियंसेस हुआ हम सारे समझ गए, और ये समझ भी तभी आती है जब गुरु जी समझाना चाहते हैं। कितनी बार हम वहां जाते थे और वहां देखते थे जो बहुत क्लोज गुरु जी के होते थे वो चेंज हो गए, वो कहाँ गए पता नहीं।
क्योंकि गुरु जी जिसको जब तक चाहते हैं तब तक रखते हैं अपने पास, और उसके बाद जैसा गुरु जी का सिस्टम होता है हमें नहीं मालूम, आई डोंट नो। और गुरु जी ने जो समझाना होता है ना वो समझा देते हैं। अगर गुरु जी ने कहा ये मेरा भक्त है तो उस भक्त में कोई काबिलियत नहीं है, जीरो है वो भक्त। वो गुरु जी के महावाक्य होते हैं, उन्होंने कह दिया तो वो भक्त बन गया। क्योंकि गुरु जी के वाक जो होते थे ना, जो कहते थे ना, वो हो जाता था। मेरे तीनों बेटियों को गुरु जी ने इतनी यंग एज में, वो लोग पढ़ रही थी, कोई नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन में जाएंगी, क्या करेंगी, क्या बनेंगी। और गुरु जी ने मेरी तरफ देख करके मेरे से कहा था मैंने तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाना है। एंड इट हैपेंड। दो डेंटिस्ट है, एक जीआई स्पेशलिस्ट है, ये कौन कर सकता है? ये कोई काबिलियत नहीं होती है किसी में। हमें वो अभिमान होता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। सारी दुनिया पढ़ती रहती है, सारी दुनिया में हजारों लोग इतने स्मार्ट होते हैं, पर जो गुरुजी जिसको ब्लेस करते हैं ना, वो उनकी इतनी गुरुजी की बढ़ियाई है। इसमें हमारी कोई बढ़ियाई नहीं है, कुछ भी बढ़ियाई नहीं है। इट इज ऑल गुरुजी। जो भी मैं सत्संग आपको बता रही हूँ ना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। दिस इज ऑल माई गुरुज ग्रेटनेस, उनकी पुस्तक, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, यही मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि वी आर जस्ट लाइक पत्ता होता है ना, एक पत्ता। आजकल यहाँ फॉल टाइम है सियाटल में, तो पत्ते गिर रहे हैं इतने सुंदर, तरह तरह के रंग बिरंगे। और मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ऐसे हम भी पत्ते ही हैं, जो एक झोंका आता है हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर धूल में मिल जाते हैं, और फिर टाइम आता है फिर वो हरा भरा पत्ता हो जाता है, नया पत्ता आ जाता है। ऐसे हमारी भी लाइफ है, ये गुरु जी के हाथ में है। ही इज द कंट्रोलर। वो हमें सजाते हैं, फिर धूल में मिलाते हैं, फिर हमें ठीक करते हैं। दिस इज जस्ट द साइकिल। तो ये बहुत ही आवश्यक है समझना कि हमारे में कोई काबिलियत नहीं है, ये गुरु जी, ये सारी सीख गुरु जी के दरबार में बैठ के आई है। और गुरु जी कभी कुछ प्रवचन नहीं देते थे, कभी भी गुरु जी नहीं कहते थे अपनी बढ़ियाई, तो कभी नहीं कहते थे। गुरु जी ने कभी नहीं कहा मैं कौन हूँ, ये बस महापुरुष कहते थे। महापुरुषों ने ऐसे नहीं बात करते, महापुरुषों ने हुक्म मानना चाहिए, इस तरह से बोलते थे गुरु जी। थर्ड पर्सन अपने को करते थे। तो गुरु जी इतने हम्ब, और वो खाली संगत को देखिए, मुझे जैसे इतने एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिए सिंगापुर में, मैं आपको मतलब सारी जिंदगी बताती रही हूँ तो भी नहीं खत्म होंगे। खाली मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को दोनों तरफ, और उसके बाद मेरे नेबर्स को, और फिर मेरी जितनी फ्रेंड्स आती थी या जो भी कनेक्टेड थी, जो नहीं भी आई उनको भी बुला बुला के उन्होंने ब्लेस किया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ये कौन कर सकता है? ये दर्शाता है कि गुरुजी इज गॉड 100%। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, 100% आई कैन टेल यू। तो ऐसे ही इतने एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिए सिंगापुर में, और मैं जब जब जाती थी गुरुजी को बता भी नहीं पाती थी। जैसे ही उनके चरण छूती थी, गुरुजी कहते थे चल खड़े होके वो नया वाला सत्संग सुना दे, कैसे तेरी घर तेरी सहेली के घर खुशबू बिखेर दी थी और गुरुजी ने अपना दर्शन दिखा दिया था। मैंने शेयर किया कितनी बार उन्होंने जो छोटी टाइल वाली अपनी स्वरूप दिया था मुझे, मैंने अपनी पर्स में रखा हुआ था। और उनके हस्बैंड नास्तिक हैं, उन्होंने कहा कैसे हैं आपके गुरुजी, तो हमने वही निकाल के दिखाया। उनकी वाइफ गुरुजी का माथा ऐसे से रब करने लगी, कहने लगी ये मेरे तो शिवा हैं। वो ऑलमोस्ट फेंट होने लगी, इतना पावरफुल ऑरा था गुरुजी का। उनके घर में पूरी फ्रेग्रेंस भर गई गुरुजी की। कौन कर सकता है ये? गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में, हम सिंगापुर में अपने फ्रेंड के यहाँ, ब्लेस कर दिया गुरुजी ने उनको। और जैसे हम गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी ने राइट अवे मुझे कहा चल वो सत्संग शेयर करे। दैट प्रूव्स हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, उनसे कोई बात नहीं कर सकता था, हम सारे डरते थे। देयर वाज सो मच रिगार्ड फॉर गुरुजी, जैसे भगवान हो। भगवान से डर भी लगता है क्योंकि हम सारे इंसान हैं, हमें लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए या कहीं नाराज ना हो जाए। और कभी कभी जब सुनते थे किसी को बैन कर देते थे गुरुजी 5 साल 10 साल, तो बहुत ही डर लगता था कि कहीं कुछ गलती हुई हो, गुरुजी ने बैन कर दिया तो हम तो जी नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही वो चलता रहा और वो प्यार बढ़ता रहा गुरुजी का, और वो हमें खींचता रहा सिंगापुर से। एवरी
मेरे हस्बैंड तो एवरी टू मंथ्स अपना बिजनेस, पता नहीं उन्होंने इंडिया में भी कुछ कर लिया था, वो वहां से खाली गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगे इतने इतने दिन। फिर मैं हर 2-3 महीने में चली आती थी बच्चों को लेकर के, फिर सारी छुट्टियां गर्मी भर 3 महीने में वहां रहती थी, फिर जाड़ों की छुट्टियां, फिर बेटियां धीरे धीरे जब कॉलेज गई वो स्प्रिंग ब्रेक में 1 हफ्ते के लिए आती थी। पहले से कहती थी हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं, तो पहले से ये सारा अरेंजमेंट उनका टिकट वगैरह करके हम उनको 1 हफ्ते के अंदर, वो यूएस से आती थी सिंगापुर, हम गुरुजी के दरबार में जाते थे, वापस आते थे और 1 हफ्ते के अंदर वो वापस आ जाती थी अपने कॉलेज यूएस में। ये क्या है, ये गुरुजी ने ये प्यार जो दिया था ना, ये उसका असर था, ये गुरुजी की ब्लेसिंग का असर था कि हमें इतना खिंचाव था, वी वॉन्टेड टू बी देयर, नोवेयर एल्स, कहीं भी वेकेशन जाने का मन नहीं होता था, लगता था वेकेशन खाली गुरुजी के पास ही है। अब सोचते हैं तो मुझे लगता है कि जो पल क्षण 98 से लेकर के 2007 तक हमने जो गुरुजी के चरणों में बिताए ना, दोस्त वो गोल्डन मोमेंट्स, गोल्डन मोमेंट्स, उसकी जो मेमोरीज है ना वो हमेशा माइंड में फ्रेश रहती हैं। और उसी से खुशी होती है, उसी से खुशी होती है जब हम संगत करते हैं या अपने पुरानी संगत से मिलते हैं, पुराने नए कोई नहीं है, पर फिर भी जब हम गुरुजी के साथ बैठते थे, जो लोग वहां रहते थे वो दिस इज नेचुरल, उनके चेहरे सामने आते हैं कि ऐसे ऐसे हम मिलते थे वहां पर। तो ऐसे ये तो सत्संग है जब गुरुजी थे वहां पर। मेरी पेरेंट्स को इतनी बार उन्होंने लाइफ दी, मेरी इन लॉज को, मेरे सारे खानदान को, मेरी फ्रेंड के बेटे के जो ब्रेन में वर्म चला गया था वो कैसे गुरुजी ने हटाया, वो तो जानती भी नहीं थी, हमने कभी बताया नहीं गुरुजी को। और उसके अलावा अब गुरुजी जब चले गए ना, मैं एक सेंटेंस बताती हूँ कि गुरुजी आपको कैसे बताते हैं कितनी चीजें। हम वापस नहीं आना चाहते थे सिंगापुर से, हम चाहते थे वहीं से हम गुड़गांव शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं पर गुरुजी के पास रहेंगे। एंड गुरुजी न्यू दैट, वो बहुत बार हिंट दे रहे थे तुम लोग वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, हमारा बिल्कुल मन नहीं था, कुड़िया का ब्याह करो, एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मैं बच्चों से कहती है तुम लोगों को जो पसंद हो अपनी शादी कर लेना, ये बता देना, बिकॉज मेरा मन खाली गुरुजी के चरणों में ही लगा हुआ है, ठीक है जो भी है, पर गुरुजी नहीं, गुरुजी वॉन्टेड अस टू कम बैक, एंड वी केम बैक 2006। और जब आ रहे थे बहुत रो रहे थे और गुरुजी ने कहा तू देखती चल, उनका गुरुजी बहुत दूर भेज रहे हैं आप, मैं कैसे रह पाऊंगी आपको देखे बिना, गुरुजी ने कहा तू देखती चल। एंड देन गुरुजी गेव मी वो कैलेंडर्स, कहते हैं ये अमेरिका की संगत के लिए है, आई डिडंट नो देयर वाज नो संगत इन अमेरिका एट दैट टाइम, एटलीस्ट आई डिडंट नो एनीबॉडी एनी संगत। एंड मैंने लाके ऐसे कैलेंडर रख लिए, ये गुरुजी के जाने की बात मैं बता रही हूँ, वो कैलेंडर्स मैंने रख लिए और गुरुजी चले गए 2007 मई में। और वो कैलेंडर एक मैंने लगाया था, जितने भी मेरी पुरानी फ्रेंड्स आती थी वो कहती थी बहुत पावरफुल है, कैन बी हैव वन, और हम सबको देने लगी इस तरह से। और उसके बाद सारे गुरुजी के भक्त बन गए और वो शब्द गुरुजी के याद आने लगे, गुरुजी ने कहा था जिसको मिलेगा उसका कल्याण कर देता, दिस वर हिज वर्ड्स, जिसको जिसको कैलेंडर जा रहे थे उसका कल्याण हो रहा था यहाँ सियाटल में। और उसके बाद जब गुरुजी चले गए और हमें लगा हम ऑर्फन हो गए, किस तरह से गुरुजी ने आके संभाला, पॉल अंकल की वो फोटो शिपिंग वाली आई और उन्होंने की चेन भेजी और उन्होंने मिश्री गुरुजी के हाथ का लास्ट प्रसाद भेजा, और मैं समझ गई गुरुजी संभालना चाह रहे हैं। एंड गुरुजी यहाँ पर संगत भेजी उन्होंने शादी में, जब मेरी बेटी की शादी थी 2007 जुलाई में, एंड 15 संगत ऐसी थी, जब उसके उसकी शादी के कार्ड आए तो गुरुजी इज द हेड ऑफ अ फैमिली, वी जस्ट सेंट 51 कार्ड्स टू गुरुजी एट एम्पायर स्टेट कि वो जब इनविटेशन देंगे उसके बाद मैं भेजूंगी सबको, अपने परिवार में भी नहीं, अपने पेरेंट्स को भी नहीं भेजा था। और जब गुरुजी वहां देने लगे सबको और कहने लगे कि जा उत्थे उषा अंकित दी कुड़ी का ब्याह है जरूर जाना, तो 15 संगत जिनके रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं जिनको हम जानते भी नहीं थे, कभी मिले भी नहीं थे, वो आए और सबके पास से खुशबू आ रही थी गुरुजी की,
और वो ताजी बात थी, मई में गुरु जी गए हैं एंड वी वर एवरीथिंग वाज सो फ्रेश, मैं रो रही थी और गुरु जी ने पहले से मुझे बताया था 2006 में कि मैं नहीं रहूंगा, मेरी फोटो रख ली। मैंने गुरु जी की फोटो वहां रखी हुई थी और इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू चारों तरफ जैसे गुरु जी खुद ही विराजमान है। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि गुरु जी के जाने के बाद भी उनकी प्रेजेंस कैसे महसूस हुई और कैसे ब्लेसिंग्स मिली। वो सारी संगत शादी के बाद भी थोड़े दिन रुकी रही और उसके बाद हम सारे जहाँ सत्संग होता है, जहाँ गुरु जी का वो है, वहीं हम बैठ जाते थे और ऐसे घेरे में, और रोज 7 बजे मैं कहती थी दिन भर आप लोग घूमो, बहुत सुंदर सिटी है सियाटल, आप जाओ और शाम को 7 बजे हम यहीं मिलेंगे और यहीं पर हम एक साथ ही बैठ के खाना खाएंगे और शेयर करेंगे गुरु जी के बारे में। उस समय कोई ऐसा नहीं था कि हम सत्संग कर रहे हैं, तो गुरु जी की मर्जी थी। अब वो सारे आते थे, हम लोग घेरा गोल में जमीन में बैठ करके गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था और हम लोग आपस में एक दूसरे की जान पहचान और कैसे आप गुरु जी से जुड़े ऐसे ऐसे करके हम बातें करते थे गुरु जी के बारे में। और वो सत्संग हो गया और उसके बाद गुरु जी ने कितनी कितनी संगत, पुरानी संगत, इतने लोगों को भेजा गुरु जी ने। सबसे पहले वो आहूजा आंटी, जो गुरु जी उनको बहन जी कहते थे, जो डॉक्टर थी आर्मी में, जो पंजाब में थी, उनके हस्बैंड भी जिनके यहाँ गुरु जी रहते थे बहुत बहुत दिन, वो अचानक ही 2008 में मिली मुझे कहीं और वो गुरु जी की बर्थडे में फर्स्ट हमने सेलिब्रेट किया 2008 में जुलाई में अपने बैकयार्ड में। एंड वो लोग आए हुए थे और भी कुछ लोग आए हुए थे संगत के और वो बड़ी खुश थी, कहती मुझे गुरु जी ने कहा था तुझे मैं अमेरिका ले चलूंगा। और वो आई और कहती मैं आ गई गुरु जी, मैं आ गई। और वो इतनी गुरु जी का इतना उनके पास जो ज्ञान था, जो एक्सपीरियंसेस थे, वो सारी संगत को उन्होंने सुनाया, सियाटल संगत को। और ऐसे ही लोगों का और फेथ बढ़ने लगा। देखिए कोई हम कितना भी सुनाए पर जब कोई पुरानी संगत बाहर से आती है तो वो बहुत ही डिफरेंट ही माहौल हो जाता है, लोग टू एंड टू ज्वाइन करने लगते हैं सब कुछ। तो गुरु जी तो सब देख रहे हैं ना, ऐसे उन्होंने कितने कितने पुरानी संगत को भेजा है। मैं अभी इस समय नाम नहीं ले पाऊंगी, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से सारे अपने आप आने लगे, मैं किसी को नहीं जानती थी, गुरु जी भेज रहे थे। एंड ऐसे सत्संग शुरू हो गया, एवरी थर्सडे होता था, फिर मंडे को होने लगा। तो कितनी कितनी गुरु जी की कृपा है और इतनी संगत 2 से 4, 2, 6 से ऐसे बढ़ती गई, अपने आप बढ़ती गई और लोगों को एक्सपीरियंसेस होने लगे, लोगों को खुशबू आने लगी, लोगों को इतनी उनकी बीमारियां ठीक होने लगी, उनकी डायबिटीज ठीक होने लगती थी। यहाँ इतना प्रसाद खा के जाते थे और घर जाके देखते थे तो उनकी डायबिटीज एकदम लो रहती थी। लंगर प्रसाद की महिमा गुरु जी अपने आप समझाते थे, बताते थे, इतनी ब्लेसिंग। और एक सबसे बड़ी जो मैं देखती हूँ कि इनक्यूरेबल डिजीजेस जो है ना वो कैसे ठीक होने लगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड की सर्जरी थी, गुरु जी नहीं थे ना, दिस वॉज इन 2007 नवम्बर। एंड उस समय मैं थोड़ा सा परेशान थी कि गुरु जी अब आप नहीं है, अब कैसे होगा, क्या होगा, नई नई बात थी। तो गुरु जी ने ड्रीम में मुझे पूरा सब कुछ दिखा दिया, गुरु जी बैठे हैं, मैं उनके पीछे कहीं बैठी हूँ और गुरु जी ने यूं हाथ किया और सिल्वर का ग्लास के पास आ गया एंड गुरु जी ने एक सिप पिया, मुझे दे दिया कि ये तू पी ले और तेरे तेरे थ्रू मैं तेरे अंकल को, तेरे बेटों को, सबको ब्लेस कर दूंगा। एंड आई एम ड्रिंकिंग दैट। और जैसे जैसे मैं पी रही हूँ ना, वो अमृत खुशबू का भंडार जो है ना, अमृत का जो होता है, वो मेरे गले से उतर रहा है। एंड उसी समय मेरी जाग खुल जाती है एंड आई कुड, इट वॉज सो रियल दैट आई एम स्वॉलोइंग इट एंड आई कैन फील एंड स्मेल दैट फ्रेग्रेंस। इतना रियल था एंड आई न्यू कि सब कुछ ठीक हो जाएगा सर्जरी में। नेक्स्ट डे उनकी सर्जरी हुई, ही वॉज टोटली फाइन। ये गुरु जी नहीं थे ना, चले गए थे गुरु जी, पर ये गुरु जी अभी भी ब्लेस कर रहे हैं, हर एक संगत को ब्लेस कर रहे हैं और किस तरह से इनक्योरेबल डिजीजेस को ब्लेस कर रहे हैं। कितनी लोगों को मैं जानती हूँ जिनको खाली स्वरूप दिया और जो यंग यंग लड़कियां हैं जिनको कभी बच्चे नहीं हो सकते थे, इतने साल से ट्राई कर रहे थे, डॉक्टर्स ने कहा था इम्पॉसिबल, दे ऑल हैव बेबीज नाउ। कैसे, ये गुरु जी की स्वरूप को आप स्वरूप नहीं समझ रहे, क्योंकि उन्होंने मेरे से स्वयं कहा था, मेरी फोटो को, गुरु जी तो फोटो कहते थे कि मेरी फोटो को फोटो ना समझ, जिथे मेरी फोटो होती है उथे मैं,
इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज गुरु जी की फोटो को बड़े आदर के साथ रखिए। आजकल मीडिया में लोग ऐसे ऐसे फोटो पोस्ट कर देते हैं फेसबुक पर, मुझे बहुत ही दुख होता है। अजीब सा टीका से पूरा भर देंगे या कुछ अजीब सा उनका एडिट कर देंगे या फोटो के ऊपर लिख देंगे, उसको प्लीज आप प्यार से गुरु जी की फोटो इतनी सुंदर है वैसे ही रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग, ये बहुत बड़ी गुरु जी की ये उनकी कही हुई बात है, उसको फॉलो करें ना। अगर गुरु जी को हम मानते हैं तो उनकी बातें भी माने, बहुत ही आवश्यक है कि आप प्लीज उसको फॉरवर्ड ना, अगर आपके पास आ भी जाती है आप उसको फॉरवर्ड नहीं करिए तो एक चेन कहते हैं ना, चेन सप्लाई चेन, वो बंद हो जाएगी वहीं पर। यह हाथ जोड़ करके जितना आप लोगों को समझा सकते हैं आप समझाइए, बाकी गुरु जी देखेंगे, पर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करनी है। तो गुरु जी ने कहा था कि मेरे स्वरूप के आगे जो भी अरदास करेगा मैं सुनता हूँ, और ये 100% ट्रू है। मैं अपनी बात बताती हूँ, बहुत ह्यूमरस एक्सपीरियंसेस गुरु जी ने दिए कि एक बार शुरू शुरू में जब सत्संग हो रहा था तो यहाँ मैं अकेले लंगर बना लेती थी, ज्यादा लोग नहीं थे, 15-20 लोग, तो यहाँ पे तो आदत पड़ी है अपने से काम करने की, सब कर लेते थे। तो एक दिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सब्जी दाल सिंपल, जैसे गुरु जी मैं बहुत ही सिंपल लंगर बनता है, एक सब्जी दाल और खड़ा प्रसाद रोटी, तो सब कुछ बन गया था, रोटी मेरे से नहीं हो पा रही थी और मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरु जी आज चावल चलेगा क्या, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है गुरु जी, ऐसे मैंने कहा गुरु जी से। एंड उसी समय मेरा फोन बजता है और उस पर उधर से एक आंटी होती है, कहती है आज पता नहीं क्यों आंटी मुझे लग रहा है मैं आपके लिए रोटियां बना रहा हूं। ये कैसे गुरु जी रिस्पॉन्ड करते हैं, ही इज नो मोर राइट, हम बात नहीं कर सकते। तो मैं ये स्पेशली नई संगत को एड्रेस करना चाहती हूँ कि आप ये ना समझिए कि गुरु जी अब नहीं है, अब क्या होगा, अब तो इतनी इतनी ब्लेसिंग हो रही है, इतनी ब्लेसिंग, गुरु जी कहीं नहीं गए हैं। एक बार स्वयं गुरु जी ने, मैं बहुत रोती थी तो उन्होंने मुझे पूरा दर्शन दिया ड्रीम में, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो बताता है कि गुरु जी कहीं नहीं गए। मैं कहीं जा रही थी और अचानक ही मुझे एक साइन दिखता है गुरु जी का सत्संग, तो मैं रुक जाती हूँ, अरे ये तो मेरे गुरु जी हैं। तो मैं अंदर जाती हूँ और वहां सारे ब्यूटिफुली सब ड्रेस्ड अप हैं जैसे कोई शादी का माहौल हो, और उधर से मैं वेट कर रही हूँ गुरु जी आएंगे गुरु जी आएंगे, सब लोग रेडी हैं थाली लेकर के आरती की। एंड उधर से जब गुरु जी आते हैं तो हिस सो डैशिंग, इतने यंग, ही मस्ट बी ओनली लाइक 20 ईयर ओल्ड में भी, और उनके सर पे पूरे बाल हैं। एंड वो वहां से वॉक करके आ रहे हैं रेड कार्पेट पे, मैं दौड़ के जाती हूँ और मैं उनका हाथ पकड़ लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरु जी आप तो बहुत यंग हो गए। और गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं कि तू पहचान गई मुझे, मैंने कहा जी गुरु जी। तो गुरु जी के ये शब्द थे जो उन्होंने मेरे से कहा था, मेरी वो बॉडी बहुत पुरानी हो गई थी, अब मैं नई बॉडी में आया हूं और बिल्कुल ही मेरी ब्लेसिंग बहुत ज्यादा फैल रही है सब जगह, तो इतने बैठ जा। एंड मैं बैठ गई एंड मैं रोज गुरु जी को वो रेड फ्लावर गुरु जी के स्वरूप के आगे चढ़ाती थी। उस दिन ड्रीम में गुरु जी ने वही रेड फ्लावर मेरे हाथ में दे दिया और कहा ये तेरे लिए, तू रोज मुझे ये चढ़ाती है ना, आज मैं तुझे दे रहा हूं ये। अगर वो नहीं होता तो मैं सोचती मेरा वहम है, तो वो जो रेड फ्लावर गुरु जी ने दिया, दैट वॉज टोटली दैट गुरु जी केम एंड ही शोड मी हु ही इज, एंड वी शुड नेवर एवर क्राई फॉर गुरु जी, क्योंकि गुरु जी इज ऑलवेज अराउंड, ऑलवेज अराउंड, ऑल द टाइम ही इज लिसनिंग। आप अंतर मन में एक जो गुरु जी को याद करते हैं वो भी उनको पता चल जाता है, आप अगर गुस्सा होते हैं वो भी चला जाता है, आप अच्छे काम करते हो वो भी उनको मालूम है। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो हर पल अपने हर भक्त के साथ हैं गुरुजी। और देखिए अभी गुरुजी नहीं है, इनक्यूरेबल डिजीज क्या है, ल्यूकेमिया जो कभी ठीक नहीं हो पाती है, बहुत कम लोग बचते हैं, ब्लड कैंसर है। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है फ्रेड हचिनसन, बहुत लोग आते हैं बाहर से ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए, और शुरू में मैं थोड़ा वॉलंटियर करती थी वहां से, वहां पर जो लोग आते थे उनको बातें करने की जो उनको समझ में नहीं आता था, या जो उनको सपोर्ट के लिए जो इंडियन फैमिलीज आती थी, कोरिया से आई थी, कहाँ से आई थी, इंडिया से, तो बहुत कम लोग बचते थे। तो एक फैमिली आई अभी 4-5 साल पहले की, तो एक आंटी का फोन आया, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे संगत थोड़े अभी नई नई जुड़ी है और यंग फैमिली है आंटी,
तीन बच्चे हैं, छोटा बच्चा ओनली 6 महीने का है और ये भी अंकल बहुत यंग है। देखिए इनक्यूरेबल डिजीज कैसे गुरु जी ठीक करते हैं, मेरे आंखों के सामने वो आए यहाँ पर और जिस दिन आए थे ना बस दैट वाज द डे आई हैड सीन हिम, ही वाज इन वेरी बैड शेप एंड उनको बस गुरु जी के स्वरूप दिया था जो उनके पास था, फिर भी मैंने दिया और थोड़े जो भी मेरे पास ऑडियोज वगैरह उस समय थे सीडीज वगैरह वो सब दे दी थी। हमने कही सब सुनते रहिए आप, बस दैट्स ऑल, जाप करिए और अच्छे पॉजिटिव प्रेम में रहिए, गुरु जी विल डू द रेस्ट। और जो भी हो सकता था अपनी तरफ से गुरु जी का प्रसाद जो होता था लंगर का या वैसे भी तो उन तक पहुंच जाता था। सो ही वॉज हैविंग दैट, कैन यू बिलीव दैट, जब जब वो खाते थे ना, वो जब जब अपना ब्लड चेकअप के लिए जाते थे प्लेटलेट्स के लिए, डॉक्टर वाज सरप्राइज, वो उनका बिल्कुल प्लेटलेट्स जंप कर जाता था, हाई हो जाता था। हाउ इज इट पॉसिबल, गुरु जी नहीं है ना, यही मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग अपरंपार है। फिर उनका एक बार आया कि वो ना मेथी का पराठा पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा मुझे, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देती थी और वो जाके मिलती भी नहीं थी, मैं नीचे जो उनके केयर टेकर थे उनको दे देती थी, दैट वाज माय रूटीन। एंड वो कहते थे जब जब वो खाते थे उसके बाद जब जब जाते थे तो उनका बढ़ता जाता था, तो इतनी मन में खुशी होती थी कि गुरु जी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंड देयर केम अ टाइम, एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत ही जरूरी है, आई नो टाइम कम हो रहा है, इसमें कितने लोगों का हाथ था हेल्प करने के लिए। ये गुरुजी कहते हैं कि सब सेवादार का नाम बताना चाहिए, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे और सबसे बड़ी जो सेवा थी वो देखिए उनकी वाइफ आई, उनका बच्चा दूसरे शहर में था शिकागो में, और वो कहने लगी मैं नर्स करती हूँ, मैं बच्चे के लिए दूध पंप करके भेजना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं पता करती हूँ। और उससे थोड़े दिन पहले बॉबी अंकल एक जो कनाडा मूव हुए थे दिल्ली से, तो बॉबी अंकल का फोन आया था कि आंटी कोई सेवा हो तो दसो। मैंने कहा कि अंकल जब गुरुजी हुक्म देंगे तब बताऊंगे आपको। तो उसी समय मुझे बॉबी अंकल का ख्याल आया, मैंने बॉबी अंकल को फोन किया, मैंने कहा बॉबी अंकल आप कह रहे थे ना एक सेवा आपके के लिए गुरुजी ने दी है और ऐसे ऐसे है, वो अगर आप उसको कोरियर करा देना, वो हॉस्पिटल से पिकअप कर ले आपका बंदा और वो वहां भिजवाना है। कहते हैं ठीक है मैं पता करता हूँ। तो उन्होंने जैसे जैसे किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम कि आई नो गुरुजी ही भेजते हैं सेवा के लिए, पर फिर भी जब होता है ना थैंक्स तो करना ही चाहिए। तो वो काफी दिनों तक ये चलता रहा, वो वहां से पिकअप करते थे करवाते थे और वो पहुंच जाता था, और वो बार बार कहती थी उनकी वाइफ की थैंक यू सो मच। मैंने कहा मेरे से नहीं करो, ये नंबर है तुम खुद बात करके उनको थैंक करो क्योंकि हमारा इसमें कुछ नहीं है। सो ये मैं बताना चाहती हूँ किस तरह से, देखिए बॉबी अंकल कहाँ दिल्ली में थे, कहाँ से वो वैनकूवर में आए और वहां से किस तरह से वहां भी गुरु जी ने उनसे सेवा ली और इतनी अच्छी सेवा और इतने प्यार से उन्होंने कहा कुछ और, मैंने कहा बस जितनी सेवा गुरु जी कहते हैं उतनी ही है ना, बस ये हो गई बस। तो वो इतना अच्छा रहा गुरु जी की ब्लेसिंग से, ही वॉज टोटली फाइन, वो यहाँ से चले गए बिल्कुल ठीक होकर के, और अभी भी उनका मैसेज आता है आई कैन नेवर फॉरगेट सियाटल आंटी। और मुझे मैंने कहा कि नो जस्ट रिमेम्बर गुरु जी और सब भूल जाओ, इट इज ऑल गुरु जी, ही इज द वन। उनकी ब्लेसिंग जब होती है ना तो गुरुजी सारे सहारे ऐसे खड़े कर देते हैं जैसे बॉबी अंकल को वहां खड़ा कर दिया था, ऐसे कितनी संगत, सारी संगत ने सियाटल में प्रे करा था उनके लिए, सारी संगत ने प्रे किया था, ऑल ओवर जहां जहां। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, हम सबको एक दूसरे के लिए प्रे करना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, प्रेयर में आप सबको इंक्लूड करिए, जग सर्वत्र का भला, जैसे अभी मंत्र जाप होता है और अंकल लगाते हैं कहते हैं सर्वत्र का भला, उसके लिए जाप होगा, तो ऐसे ही हमारे प्रेयर में सबके लिए होना चाहिए। और काफी टाइम हो गया अंकल, अब तो 10:30 बज गए यहाँ पर, आई थिंक आज यही विराम देते हैं, और जब भी गुरु जी कहेंगे हमें शेयर करने की तो बहुत बहुत ही, जैसे मैंने कहा मैं दिन रात पूरी कितनी भी जिंदगी बीत जाए मैं शेयर करती रहूंगी, इतने इतने अच्छे सत्संग गुरु जी ने जो एक्सपीरियंसेस, और जो अच्छे भी सत्संग जो लगता है हमारी लाइफ में ठीक नहीं हुआ
मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, क्योंकि ये सारे गुरु जी हमारे कार्मिक अकाउंट्स ठीक कराते हैं ना। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके मन से नहीं होता है, पर वो गुरु जी की कृपा है कि हमें इतनी समझ देते हैं कि उसको भी हंसते हुए हम आगे लांग जाते हैं। कोई बात नहीं, इसको भी चैलेंज की तरह हम एड्रेस कर लेंगे और कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु जी से कोई कंप्लेन करने का क्या क्या किस तरह से कंप्लेन करें, क्योंकि आपने देखा है कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं। तो ये तो बहुत छोटी बात है, हमें ब्लेसिंग्स को याद रखना चाहिए, और जो हमारे अपने अकाउंट में जो प्रॉब्लम हम अपने आप क्रिएट करते हैं उनको हमें अपने आप डील करना चाहिए। उससे गुरु जी से कोई लेना देना नहीं है, गुरु जी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प, वी कैनॉट कंप्लेन टू गुरु जी। आप कंप्लेन नहीं करिए, बस खाली शुक्राना करिए बस, और उनकी याद में रहिए, मगन रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जितने लोगों को आप खुशी दे सकें खुशी दीजिए, हेल्प कर सकें हेल्प करिए। इस शरीर में आने का हमारा एक ही मकसद है कि हम मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकें या खुशियां बांट सकें, उसका उल्टा ना करें। यही उससे ही हमारे गुरु जी खुश होंगे, और मुझे लगता है यही गुरु जी चाहते हैं हम सारी संगत से, कि हम सबको खुश रखें अच्छी तरह से। मतलब ये नहीं कि डोंट टेक ऑल नॉनसेंस आल्सो, मतलब प्रैक्टिकल भी होना है, पर प्यार से रहिए सब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का बुरा ना नहीं सोचिए, अच्छे वाइब्स भेजिए। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी अंकल।